अधिकार यात्रा के बाद कर्ण की धरती करनाल में दी गई गिरफ्तारी। प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ युवा शक्ति का शंखनाद है। रणदीप सुरजेवाला। भीषण गर्मी में प्रदेश के हजारों सीईटी पास युवाओं की कुरुक्षेत्र से करनाल तक खट्टर साहिब ने बेरोजगारों की आवाज नहीं सुनी तो प्रदेश के लाखों युवा आने वाले समय में हरियाणा की भाजपा जसपा सरकार के तख्ता पलट के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हजारों सीईटी पास युवाओं की कुरुक्षेत्र से करनाल तक युवा अधिकार यात्रा के बाद कर्ण की धरती करनाल में दी गई गिरफ्तारी प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ युवा शक्ति का शंखनाद है। ये शिक्षित युवा रोजगार व न्याय मिलने तक अब न रुकने वाले हैं और न झुकने वाले हैं। खट्टर दुष्यंत की जोड़ी अगर अब भी युवा विरोधी नीतियों से बाज नहीं आई तो इन दोनों को ही बहुत जल्दी बेरोजगार करके घर बिठाने का संकल्प हरियाणा के युवा ले चुके हैं। पास किया उन बच्चों का जो नेतृत्व कर रहे आदरणीय श्वेता डुल जी, भाई कृष्ण सापरोड़ जी, आनंद जाखड़ जी, इन्हें में जब किसान भी कान पड़ाकर बाबा बन गया था, उस गर्मी के अंदर हजारों की संख्या में आप सारे साथी क्यों इकट्ठे हुए, जो ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र पे एक संकल्प लेकर एक यज्ञ करके श्रीमद् भगवत गीता का आह्वान करके क्यों आपके बेटा बेटी, क्यों हरियाणा के नौजवान चिलचिलाती धूप में भूखे प्यासे नंगे पांव सड़कों पर एक एक कदम चलने को मजबूर हो गए। 11,22,000 वो नौजवान लड़के और लड़कियां जो सीईटी के एग्जाम में बैठे, उनमें से कोई आपका भाई है, वो स्वयं बहुत सारे हजारों में नौजवान यहां मौजूद हैं, कोई आपकी बिटिया, क्या कारण है कि गुण है, शिक्षा है, काबिलियत है और वो सब मजबूर है। 4 साल से मनोहर लाल खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला जी हरियाणा के युवाओं को बेवकूफ बना रहे। 4 साल तक जब नतीजा निकला तो वो सारा का सारा बेकार और चोरीपूर्ण नतीजा है। जिसको नहीं दे रहे उसको दे दिए, जिसने एक सर्विसमैन कैटेगरी में अप्लाई किया उसे जनरल कैटेगरी में डाल दिया, जिसने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में अप्लाई किया उसे जनरल में डाल दिया, जनरल वाले को इन कैटेगरियों में डाल दिया। पेपर में ऐसे 15 से 20 सवाल हैं जिनके चारों जवाब गलत हैं। ना तो हेरा फेरी सर्विस काउंटर HSSC वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नहीं है, वो हेरा फेरी सर्विस काउंटर बन गया। ना तो HSSC को, ना मनोहर लाल खट्टर जी को, ना दुष्यंत चौटाला को, ना उनके मंत्रिमंडल को उन सवालों का जवाब पता नहीं, तो हमारे बच्चे कैसे ठीक करेंगे। और जब बच्चों ने 100-100 रुपया प्रश्न का पैसा देकर अप्लाई किया तो उसका कोई नतीजा नहीं निकला। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन।